मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित आज आपके सामने स्वर विज्ञान और आयुर्वेद में क्या सामंजस्य है इस विषय पर चर्चा करूंगी। आइए जानें सबसे पहले कि स्वर क्या है। स्वर का तात्पर्य है श्वासों की गति। इस विषय में एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि क्या इतनी तेज गर्मी में मैं अपने दाएं कान में कॉटन लगा करके निकल जाऊं तो मुझे लू नहीं लगेगी। तो उसे सोच देख करके मेरे दिमाग में ये प्रश्न ये आया कि आपके साथ मैं अपने कुछ अनुभव साझा करूं। हालांकि कान के विषय में तो मुझे नहीं पता कि कॉटन लगाने से उसको गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन हमारे शरीर में जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो नासा है, उसके दो पार्ट हैं, दायां और बायां, जिससे हमारे अलग अलग स्वर चलते हैं। दाएं से सूर्य स्वर और बाएं से चंद्र स्वर। सूर्य स्वर गर्म प्रकृति का है और चंद्र सौम्य प्रकृति का है, मीन्स ठंडा स्वर है। तो जब भी हमें कोई ऐसा काम करना होता है कि जैसे सुबह उठना हो, भोजन करना हो, व्यायाम करना हो या कोई परिश्रम के काम करने हो, तो हमारे शरीर में वो सूर्य स्वर चलना चाहिए। और यदि हमें कोई पूजा पाठ करना है या शांत बैठना है, पढ़ाई करनी है, मनन करना है, चिंतन करना है, तो हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा वो सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। तो एक बहुत ही सरल तरीका है कि आप अपनी उंगली को अपनी नासा के पास ले जाएं और वहां पर जाकर के देखें कि किस तरफ से, दाएं या बाएं तरफ से आपको सांस ज्यादा आ रही है। जिधर से सांस की गति ज्यादा है, इट मींस कि आपका वो स्वर उस समय क्रियाशील है। दूसरा तरीका और मैं आपको बताती हूं कि ये एक छोटी सी ग्लास स्लाइड है, इसको यदि आप अपनी नाक के पास रखेंगे तो नाक से जो भाप निकलेगी ये एक क्षण भर के लिए इसमें आपको दिखाई देगी। जैसे मैंने अपनी नाक के सामने रखा है और मैंने इसको देखा तो एक साइड में इसकी भाप हल्की होगी और एक साइड में ज्यादा। तो जिस तरफ ज्यादा है, इट मींस कि हमारा वो स्वर उस समय चल रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा स्वर उस समय चल रहा है। ये स्वर हमारी प्रकृति के अनुसार एक निर्धारित समय पर अपने आप बदलते रहते हैं। कुछ समय ऐसा भी होता है कि जिस समय हमारे दोनों स्वर चल रहे होते हैं, लेकिन हमें केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर के इन स्वरों को जानना है। तो सबसे पहले आप जब सुबह सो के उठें तो ये उठने से पहले ध्यान दें कि हमारा सूर्य स्वर गतिमान हो। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि इस स्वर की परीक्षा कैसे करें। तुरंत एकदम खड़े ना हो जाएं बिस्तर से, एक सेकंड के लिए आप अपनी उंगली लगा करके नाक के सामने देख सकते हैं कि आपका स्वर चल रहा है या नहीं। यदि आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो उस समय ना उठें। अब यदि स्वर हमारा डिफरेंट चल रहा है तो हम उसको परिवर्तित कैसे करें, तो इसके तरीके मैं आपको सिखाती हूँ कि यदि आपका सुबह चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब आपकी जो बाई नासा है, बाई तरफ की नाक है, उस तरफ से यदि सांस ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसी साइड में लेटे रहना है। बाई करवट से आप लेटे रहेंगे थोड़ी देर तो आपका दायां स्वर ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप जो स्वर चल रहा है उसी तरफ से आप सांस लें। जैसे यदि मुझे अपना सूर्य स्वर चालू करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं दाई बाई तरफ से सांस अंदर लूंगी और उसको दाएं नथ में से बाहर छोड़ दूंगी। फिर दोबारा मैं दोबारा बाई तरफ से लूंगी और फिर दोबारा दाई तरफ से छोड़ूंगी। यही प्रक्रिया मैं कम से कम 20 से 30 बार लगातार करूंगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो दूसरी तरफ का स्वर था वो चलने लगेगा। इस प्रक्रिया को यदि मैं बहुत जल्दी करना चाहती हूँ तो मैं ये प्रक्रिया लेट के करूंगी। यदि आप लेट के करेंगे इसे, और जैसे हम बाई करवट से लेट गए और हमने बाई तरफ से ही अपने सांस ली और दाई ओर से निकालते रहे, तो ये और तेजी से आपका स्वर परिवर्तित हो जाता है। एक तरीका और है अपने स्वर को परिवर्तित करने का। आपके सबके घरों में हैंड टॉवल तो होती ही है, इस टाल को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, बिल्कुल जितना छोटे से छोटा आप कर सकते हैं, और इसको हम आप इस तरीके से बिल्कुल टाइटली फोल्ड कर देंगे
छोटा बनाते हुए और ऐसा हम इसे इस तरीके का हमने इसे बना लिया। आपने पुराने ऋषि महात्मा तो देखे होंगे कि उनके साइड में एक लकड़ी का दंड होता था जिसको वो अपने बगल में दबाए रखते थे। उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि साधु महात्मा जितने होते थे वो कई बार इतनी बर्फ में भी तपस्या कर रहे होते थे, तो उन्हें जिस तरफ की नाड़ी चलानी होती थी वो उस तरफ उस दंड को दबा लेते थे कि जैसे उन्हें यदि बर्फ में तपस्या करनी है तो उस समय वो अपनी सूर्य नाड़ी को क्रियाशील बना लेते थे। उससे क्या था, उन्हें ठंड नहीं लगती थी, या जहां पर बहुत गर्मी है यदि उन्हें बहुत तेज धूप में निकलना है तो वो उस समय अपनी चंद्र नाड़ी को क्रियाशील कर लेंगे, तो उससे लू का प्रकोप कम होगा और गर्मी भी कम लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमें जिस तरफ की नाड़ी को चलाना है, जैसे मुझे यदि अभी सूर्य नाड़ी को गतिमान करना है तो सूर्य नाड़ी हमारी दाई तरफ की, तो मैं इसे बाई तरफ की इसको आर्मपिट में अपनी थोड़ी देर के लिए इसे हम दबा के रखेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे। उसके बाद थोड़े समय पश्चात हमारी सूर्य नाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अब इस नाड़ी को या इन स्वरों को परिवर्तित करने से क्या फायदे हैं? पहला फायदा कि जिस समय आपको यदि लग रहा है कि आपको माना जुकाम होने वाला है तो आप उस समय देखिए, यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप उसे सूर्य में परिवर्तित कर लीजिए, आप अपनी नाड़ी को परिवर्तित कर लीजिए तो उस समय आपको जुकाम से आप बच जाएंगे। या किसी को सुबह उठते ही छींके आती हैं या बहुत कफ का प्रकोप रहता है, इसीलिए कहा गया है कि सुबह उठते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। या भोजन के पश्चात जो हम बाई करवट लेटने के लिए कहते हैं, उसके पीछे भी यही वैज्ञानिक कारण है कि बाएं करवट लेटने से हमारी सूर्य नाड़ी क्रियाशील हो जाती है और सूर्य नाड़ी हमारी जो जठराग्नि है या हमारी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देती है और हमारे भोजन का पाचन कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम यदि बाई करवट से 15 से 20 मिनट लेटते हैं खाने के पश्चात तो हमारा खाना बहुत जल्दी बच जाता है, हमें कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये छोटे छोटे हमारे टिप्स हैं हमारे आयुर्वेद में, हमारे स्वर विज्ञान में, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज की वीडियो देख करके आप इन टिप्स को लें और खुद अनुभव करके देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज की लिंक नीचे दी हुई है, कृपया उसको भी देखें और आपकी राय जानने की मुझे बहुत इच्छा है, तो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।